जय हिंद दोस्तों, मैं इरफान आप सबका अपने YouTube चैनल MG एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरा उद्देश्य है कि स्टूडेंट्स को जीरो से हीरो लेवल पर कैसे ले जाया जाए, जीरो से हीरो कैसे बनाया जाए, मैथमेटिक्स में इसी पर मैं काम कर रहा हूं और वीडियोज को बना रहा हूं। दोस्तों जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो को डाला था कि घातांक क्या है, पावर ऑफ इंडेक्स क्या होता है बेसिक लेवल से, उसमें हमने काफ़ी चीज़ों को समझाया आखिर इन चीज़ों को क्यों बनाया गया और कैसे कैसे इसमें क्या बदलाव आए, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जैसे कि उसमें हमने बताया था कि हम लेकर आएंगे कुछ प्रश्नों को कि किसी भी संख्या की पावर अगर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू आखिर एक क्यों होती है किसी भी संख्या की। और दूसरा दोस्तों, काफ़ी लोग फंसे रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनके दिमाग में कन्फ्यूजन बना रहता है, इंटर पास आउट कर लेते हैं उसके बाद भी, कि आखिर हम जीरो को जीरो से भाग करते हैं तो आखिर क्या आता है, क्या आना चाहिए। अगर ऐसा बहुत लोगों ने रट रखा है कि इनफाइनाइट आता है तो आखिर ऐसा क्यों आता है। और दूसरा, अगर जीरो की पावर जीरो है, जीरो की पावर जीरो है, फिर हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी। दूसरा, अगर जीरो की पावर कोई माइनस संख्या है, जीरो की पावर कोई भी माइनस संख्या है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे हम सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे समझेंगे क्या मतलब है इसका। तो इन सब का ऊपर आज इन सब का पर्दाफाश होने वाला है, एक के बाद एक सब के जुर्म को आज खोला जाएगा और यहाँ पर दिखाया जाएगा कि क्या आखिर इसके सेक्रेट्स हैं, क्या रहस्य हैं, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं वीडियोस का कि क्या मतलब है इन सब का। देखिएगा, अगर यहाँ पर ए की पावर जो जीरो है तो सबसे पहले हम आपको एक चीज बताते हैं, इन सब को छोड़ते हैं, एक आपको थ्योरी बताते हैं कि अगर आपको एक प्रश्न दे दिया जाए कि 5 की पावर 3 है डिवाइडेड 5 की पावर 3, तो अब आप इसको जब हल करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, आइए देखते हैं। जब इसको हम हल करेंगे तो क्या करेंगे, 5 की पावर 3 यहाँ पर जो आपका भाग होता है तो इसका रूल है कि इसको गुणे में बदलते हैं, गुणे में बदलने के बाद में जो चीज ऊपर है वो बिल्कुल नीचे चली जाती, तो ये आपका हो गया, यानी कि 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3। अब जो कर्णी रूल कहता है कि यहाँ पर देखिए, इसको तो हम हल कर सकते हैं, इसको हल क्या कर सकते हैं कि 5 × 5 × 5 और यहाँ पर हो जाएगा 5 × 5 × 5 यानी कि 125/125, 125 को 125 से काटेंगे तो कितना आएगा, 1। लेकिन अगर इसको इस तरीके से ना हल करके हम दूसरे अप्रोच, दूसरे रास्ते को अपनाते हैं, दूसरा रास्ता क्या है कि 5 की पावर 3 यानी कि जो बेस है आपका, बेस यानी आधार अगर सेम है तो जो पावर होती है ऊपर वाली जब नीचे जाती है तो वो पावर उसका जो साइन होता है यानी कि धनात्मक है, ऋणात्मक ऋणात्मक है तो धनात्मक बन जाता है। तो यहाँ पर जो नीचे क्या है प्लस में प्लस 3 तो ऊपर जाएगा -3, और जब 5 में से 3 गए 3 तो 0 आ गया। अब 5 में से जब 0 गया तो यहाँ पर 5 3 में से 3 गया 0 आया 5 के पास 0, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी, जैसा कि हमने ये हल करके दिखा दिया कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो क्या ये सही है, तो आपको अभी तो डाउट हो रहा होगा कि शायद ये गलत हो, लेकिन जब आप यहाँ पर हल करेंगे कि ऐसे दूसरा कोई क्वेश्चन दे दिया जाए और 4 की पावर 6 दे दी जाए और यहाँ पर 4 की पावर 6 आए तो 4 की पावर 6 - 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 की पावर 0, तो ये क्या 1 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 4 की पावर 6 से 4 की पावर 6 तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक ही तो आएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब कि कोई भी संख्या अगर है उसकी पावर 0 आती है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि अगर कोई भी संख्या हो और उसकी पावर 0 हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं हल होकर वो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर पावर 125 या कुछ दूसरी संख्या आ जाए तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर पावर हमने कितना लिया था, 3, यहाँ पर पावर हमने 6 लिया फिर भी 1 आया और 3 लिया फिर भी 1 आया। तो इस तरीके से आप पावर कुछ भी ले लें, चूंकि सेम पावर होता है इसलिए जब वो सॉर्ट आउट होगा तो 0 हो जाएगा यानी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 1 बनने वाला है। इसलिए आपसे अगर कभी भी पूछ लिया जाए
कि एक की पावर जीरो होगी तो क्या वैल्यू होगी, एक्स की पावर जीरो होगी तब क्या वैल्यू होगी, तो सभी कंडीशंस में आपका जो आंसर होने वाला है वो वन ही होगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो दोस्तों ये इस वीडियो को आप दोबारा देखें, जरूर आपको समझ में आएगा कि आखिर इसका रहस्य क्या था। देखिए ये तो लगभग जो काफी लोग जानते हैं कि जो पावर जीरो हो जाती है उसकी वैल्यू वन होती है, लेकिन जब जीरो को जीरो से बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ मामला लोचा है, यहाँ पर कुछ लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन बना रहता है। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले उसको समझने से पहले हम कुछ चीजें आपको बताएंगे कि अगर आपको 8 दिया है बटे यहाँ पर कितना दिया है 2, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 4। अगर यहाँ पर 6 दिया है और यहाँ पर दिया है 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। अगर यहाँ पर 32 है यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 2 चौको 8 यहाँ पर 4 आया, 3 दुना 6 यहाँ पर 2 आया, 8 चौक 32 यहाँ पर 4 आया। क्या हम इसको ऐसे नहीं कह सकते हैं कि 2 में कौन सी संख्या गुणा की जाए कि ये 8 बन जाए, तो आप कहेंगे 4 से गुणा कर दिया जाए। क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते 3 में कौन सी ऐसी संख्या गुणा कर दी जाए कि ये 6 बन जाए, तो आप कहेंगे बिल्कुल वो 2 है, 2 से गुणा कर दिया 6 बन जाएगा। ऐसे 8 में किस संख्या से गुणा कर दिया जाए कि 32 बन जाए, तो आप कहेंगे 4। तो अगर हम आपसे ये कहें कि 4 को छोड़कर 2 में कौन सी ऐसी संख्या से गुणा कर दी जाए कि वैल्यू 8 आ जाए, क्या हमने कहा कि 4 को छोड़कर 2 में कौन सी ऐसी संख्या से गुणा कर दी जाए कि वैल्यू 8 आ जाए, तो अब आप बताने में लग जाएंगे इसको छोड़कर तो आपकी जिंदगी बीत जाएगी, आप बता नहीं सकते हैं कि क्या वैल्यू होने वाली है, यानी कि आप बता नहीं सकते। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 4 को छोड़कर 8 में किसी ऐसी संख्या से गुणा कर दी जाए जो 5, 6, 7, 8 जो अनंत तक संख्या है कि 32 आ जाए, तो कोई ऐसी संख्या नहीं है कि 8 में गुणा करके हम 32 ले आए 4 को छोड़कर। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि 8 के जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसकी कोई एक ही मान होगा, 3 का कोई एक स्पेसिफिक मान है, 2 का एक स्पेसिफिक मान है, जिससे हम गुणा करेंगे तभी ऊपर वाला आएगा, अंश आएगा। अब यहां पर जो जीरो के केस में होता है कि 0 बाई 0, तो यहां पर हम बता दें कि 0 को अगर किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वो 0 ही आती है, 0 आएगा, 0 को 0 से गुणा करो, 0 को 1 से गुणा करो, 2 से माइनस से 0 ही आएगा। तो यहां पर आप देखिए जो यहां पर हमने कॉन्सेप्ट बताया, अब तो आप शायद ऐसे ही समझ गए होंगे कि हम क्या बताने वाले आएंगे, क्योंकि इस चीज को आप समझ गए। तो यहां पर हमने क्या बताया कि 0 में कौन सी, अब आप यहां पर सोच रहे होंगे कि बहुत सा भी स्टूडेंट लगभग सोचते हैं कि 0 से 0 डिवाइड करेंगे तो हमें 0 आएगा, जो कि ये बिल्कुल गलत है, किसी भी कंडीशन में सही हो ही नहीं सकता, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे, तो देखिएगा कैसे। अगर हम आपसे ये कहें कि 0 में कौन सी ऐसी संख्या से गुणा कर दें कि ये 0 आ जाए, यही तो बात हुई कि 2 में कौन सी ऐसी संख्या से गुणा कर दें कि 8 आ जाए, तो आप कहेंगे 4। तो 0 में कौन सी ऐसी संख्या से गुणा कर दिया जाए कि 0 आ जाए, तो आप कहेंगे 0। तो मैं कहूंगा क्या 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो तो 0 आ जाए, या क्या -2 नहीं हो सकता, -6 नहीं हो सकता, कोई भी संख्या नहीं हो सकती, तो आप कहेंगे हाँ हो सकती है। तो जब कोई स्पेसिफिक वैल्यू है ही नहीं तो आप कैसे बता सकते हैं कि 0 को 0 डिवाइड करेंगे 0 आएगा, बिल्कुल गलत। यानी कोई भी वैल्यू परिवेश में जितनी भी संख्याएं हैं किसी भी संख्या को 0 से गुणा कर दो तो 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब इसकी कोई स्टैंडर्ड मान नहीं है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि 0 को 0 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट यानी कि असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं है, इसीलिए जब इसकी सीमा ही नहीं है तो इसको कह दिया गया अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब इसको परिभाषित ही नहीं किया जा सका, परिभाषा ही नहीं इसकी बनाई जा सकी, इसलिए इसके इनफाइनाइट वैल्यू है। इसको इनफाइनाइट की जो चिन्ह आप जानते हैं कि ये होता है।
अब यहां पर तो ये आप समझ चुके हैं, ये भी समझ चुके हैं क्या होगी इसकी वैल्यू। अब आप जीरो की पावर अगर जीरो है तो आप समझने का प्रयास करें, जीरो की पावर जीरो का मतलब अगर आपसे कह दिया जाए कि दो की पावर दो है तो इसको दो गुणे दो करेंगे, तीन की पावर छः है तो तीन को छः बार गुणा करेंगे, ऐसे जीरो की पावर जीरो है तो जीरो को जीरो बार गुणेंगे, अनंत बार करेंगे तो जीरो ही तो आएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जीरो आएगा और नीचे भी जीरो आएगा और जीरो 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 फिर इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि क्या मतलब इसका निकल रहा है। अब देखिए अगला हम समझने का प्रयास करेंगे कि अगर कोई जीरो है और जीरो की पावर माइनस में है तो इसका क्या मतलब होता है। तो जैसा कि हमने बताया कि जीरो की पावर अगर माइनस सिक्स है तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो पावर होती है माइनस, अगर देखिएगा जो पावर होती है उसको हम अगर ऋणात्मक है तो इसको धनात्मक बनाने का प्रयास करते हैं, तो जीरो है तो ये ऊपर है, देखिए ये आंसर, तो इसको हम नीचे ले आएंगे, वन ऊपर हो जाएगा तो जीरो की पावर माइनस सिक्स हो जाएगा, तो ये जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। तो जीरो की पावर जो है जब सिक्स हो गया, यार देखिए यहाँ पर हम जीरो को माइनस सिक्स बार गुणा करने का मतलब ये कोई लॉजिक नहीं निकलता। अगर आपसे कह दिया जाए कि टू की पावर माइनस टू है तो इसको हल कीजिए, तो टू की पावर माइनस टू बार आप गुणा नहीं कर सकते, माइनस टू का मतलब इसकी पावर है ये दो बार, तो यहाँ पर इसको टू की पावर टू करेंगे प्लस में, आप इसको गुणा कर लेंगे, टू इंटू टू इंटू वन अपॉन फोर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी प्रकार इसको प्लस जब करेंगे नीचे लाएंगे तो वन अपॉन जीरो की पावर सिक्स, जीरो को सिक्स बार गुणा करेंगे तो जीरो आएगा, वन अपॉन जीरो। अब जीरो को आप जीरो को किस संख्या से गुणा कर दें कि वन आ जाए, तो यहाँ पर वही बात आई कि जीरो को वन से गुणा करेंगे जीरो आ जाएगा, कोई ऐसी संख्या है ही नहीं कि आप जीरो को किसी संख्या से गुणा कर दें तो वन आ जाए, तो जब वन आ नहीं सकता तो ये भी इनफाइनाइट अनिर्धार है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये फैक्ट्स जितने आप बरसों से उलझते आए हैं और समझ में नहीं आ रहा था तो बहुत ही इजी वे में आपको बताया गया, यानी कि सनसनीखेज खुलासा आज इसका हो गया। तो दोस्तों आगे हम ऐसे किसी इंटरेस्टिंग फैक्ट साथ में आपके समक्ष मौजूद होगा, तब तक के लिए धन्यवाद।